सो हेलो एवरीवन कैसे आप सभी और एक बार फिर से यहाँ पे हम बात करेंगे राट महाविद्यालय पैठाणी के बारे में ठीक है पौड़ी गढ़वाल में ये कॉलेज है और जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट वीडियो आपने देखी होगी बीएड की इसकी जो है फर्स्ट मैरिज लिस्ट जो है कॉलेज की तरफ से जारी हो चुकी है जिसके कट ऑफ के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखी है सभी कैटेगरियों की जनरल एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस फ्रीडम फाइटर फिजिकली हैंडीकैप आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों जो है सब्जेक्ट ग्रुप की जो है मैंने कट ऑफ बताई है किस कैटेगरी में कितनी गई है तो अभी उसमें एक और अपडेट आपने देखा होगा कि उसमें ये नोटिफिकेशन जो था उसमें ये भी साफ साफ लिखा हुआ कि जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऑनलाइन राट महाविद्यालय के लिए तो वे डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं लेकिन किस कोर्सेज में किन सीट्स में सेल्फ फाइनेंस में ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे अभी सीट्स का तो इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है पचास सीटें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की है जिसमें आपकी फ़ीस कम रहने वाली ये तो कंफर्म लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें हैं यहाँ पे वैसे हंड्रेड हैं बट अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं है ठीक है आ, क्योंकि यहाँ पे जो है आ, जो इनकी साइट है अगर आप इस कॉलेज की साइट खोलेंगे तो यहाँ पर इन्होंने पूरा यही लिखा हुआ डेढ़ सीटें जिसमें पचास तो आपकी गवर्नमेंट एडेट है और सौ सीटें सेल्फ फ़ाइनेंस की हैं ठीक है अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें फीस का ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है डाउट भी हैं और आपके जो है क्वारीज भी हैं कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर से यहाँ पे दोनों कोर्स का मैं दोनों जो है सीट्स का मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो गवर्नमेंट एडेड हैं यानी कि जिनको काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट के माध्यम से एडमिशन मिल रहा है उनकी फ़ीस कितनी है और जो डायरेक्ट एडमिशन्स लेंगे जैसे जो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे कॉलेज जाके एडमिशन्स लेंगे सेल्फ फाइनेंस उनकी फ़ीस कितनी है तो दोनों का यहाँ पर हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे तो दो साल का है ये ठीक है बीएड का जो प्रोग्राम्स है दो साल का है बैचलर ऑफ़ एजुकेशन अब बाफ़ीस की बात कर लेते हैं तो देखिए गवर्नमेंट एडेड जो सीट्स हैं पचास सीटें है, गवर्नमेंट एडेड की हैं जो कि जो है मेरिट के माध्यम से जो है भरी जाएगी जिसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ऑलरेडी आ चुकी है तो उसमें जो फ़ीस है तीन हज़ार है ठीक है तीन हज़ार फ़ीस है गवर्नमेंट एडड जो है सीट्स की और जो सेल्फ फाइनेंस है सेल्फ फाइनेंस जो बी एड की सीट है उसमें जो फीस है पैंतीस हज़ार रुपये पर ईयर है तो एक साल की फ़ीस है पैंतीस हज़ार और गवर्नमेंट एडेड में है तीन हज़ार दो सौ उनपचास रुपये ठीक है तो अब जिनको मेरिट किया क्योंकि अभी तो इसकी फर्स्ट मेरिट आई आई है तो इसकी भी जो है कम से कम चार से पाँच मेरिट तो आती आती है ठीक है तो फिलहाल तो फर्स्ट मेरिट यहाँ पर आई है तो जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है गवर्नमेंट एडेड सीट्स में उनके लिए ये जो है कॉन्ग्रेचुलेसन क्योंकि जो है उनकी फ़ीस जो है तीन हज़ार दो सौ उन पचास रुपये पर ईयर यहाँ पर रहेगी साढ़े छः हज़ार में उनका बी एड कंप्लीट हो जाएगा लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस में और सेल्फ फाइनेंस में उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा कि डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पैंतीस हज़ार रुपये फीस है तो दो साल की सत्तर हज़ार हो जाएगी ठीक है अगर इस साल जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट आया फीस में कुछ जो है इजाफा हुआ होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा फ़िलहाल जो अभी जो फ़ीस है इनकी लास्ट ईयर तक जो फीस थी वो तीन हज़ार दो सौ उनपचासी है गवर्नमेंट एडिड की और सेल्फ फाइनेंस की थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है तो अगर इजाफा हुआ भी होगा तो ज़्यादा नहीं हुआ होगा ठीक है।, है दो तीन सौ रुपये इजाफा हो सकता है इसमें लेकिन जो फीस है आपकी इतनी रहने वाली है इससे ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगी ठीक है Uh, तो ये जो है आपकी जो है गवर्नमेंट एडेड की फ़ीस है तीन हज़ार दो सौ उनपचास रुपये और सेल्फ फाइनेंस की है थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है ठीक है और बाकी जो सीट्स है इसमें गवर्नमेंट एडेड की जो सीटें हैं वो पचास सीटें यहाँ पे हैं ठीक है थीके? तो बाकी जिनका मेरिट में नाम आया है तो डॉक्यूमेंट्स तो भाई ऑलरेडी मैंने उसमें बता दिया है नोटिफिकेशन आप पी का फाइल मैंने इसलिए दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पी डी खुद डाउनलोड करके उसमें डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है बस जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट एंड जो आपका माइग्रेशन है और जो मेडिकल फिट टेस्ट सर्टिफिकेट है यही सब डॉक्यूमेंट्स मांगता है चाहे आप एच में जाओ एडमिशन्स लेने बी में या डी में जाओ या दूसरा जो डी डब्ल्यू टी देहराद उनमें जाओ तो सभी में जो है सभी कॉलेज में आपका और इसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन्स लोगे तो यही सब डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट कॉलेज में भी मांगता है ठीक है तो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस ले रहे हैं या गवर्नमेंट में ले रहे हैं ठीक है